आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चुनाव की तारीखों का भले ही अभी ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुट गया है। ईवीएम और वीवीपैट के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है, जिससे मतदाता अपना वोट डालते समय डबल चेक कर सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत के साथ जुड़ गई हैं। निर्वाचन आयोग भी पूरी ताकत से तैयारी कर रहा है। तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन तैयारी हर स्तर पर की जा रही है। मतदाताओं को ईवीएम के माध्यम से वोट डालने का तरीका बताया जा रहा है। निर्वाचन आयोग की गाड़ी हर गली मोहल्ले बाजार पहुँच रही है। लोगों को बताया जा रहा है किस तरीके से वोट डालना है, किस तरीके से आप डबल चेक कर सकते हैं। ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन की व्यवस्था है। वोट डालते समय आपका चिन्ह वीवीपैट पर आ जाएगा, जिससे डबल चेक होगा। निशान आएगा, 11 नंबर बढ़ा लो, 11 नंबर देखिए निशान आता है। कमली आया तो बड़ी संख्या में लोग वैन तक पहुंचकर ईवीएम में वोट डालने का तरीका सीख रहे हैं, डबल चेक कर रहे हैं। लोग इसे बेहतर तरीका बता रहे हैं। लोगों का कहना है इससे तमाम लोगों का भ्रम भी दूर हो जाएगा। इससे फायदा यह है कि जो लोग गलतफहमी में शिकार हो जाते हैं कि बीजेपी की सरकार आने पर बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, उनके लिए जागरूकता अभियान चल रहा है कि आके चेक कर लें कि बटन दबाने से यह स्कैनर आएगा जिस पर आप वोट डालेंगे, वह दिखाया जाएगा कि डबल चेक हो जाएगा। ये गलतफहमी का शिकार ना है कि अवाल आगे के 2022 में बीजेपी सरकार आई बोलेंगे नहीं मशीन में गड़बड़ी थी, ये थी। उन लोगों के लिए स्पेशली अभियान चलाया गया है। मतलब ये सक रहता है लोगों को कि मतलब के वोट डाला नहीं डाला, जिसको हम चुनाव चिन्ह जो इस पर डाला वो डाला नहीं डाला है, तो उससे सामने जो आ जाएगा पर्ची मिलेगी उससे ये साबित हो जाएगा निर्वाचन आयोग को। बहुत अच्छा कदम है और सरकार की अच्छी पहल है कि मतलब ये जागरूकता फैला रहे, वो भी अच्छी बात है। और संतुष्ट होगा मतदाता कि मेरा वोट फलाने व्यक्ति को ये गया, ये सही जगह पर पड़ा है वोट। ऐसा आने वाले विधानसभा चुनावों में इससे निर्वाचन आयोग ने जो पहल की है उससे दो फायदे होंगे। एक तो लोगों के अंदर एक मानसिकता बनेगी कि हमें वोट डालने जाना है, और एक वीवीपैट मशीन का, ईवीएम मशीन का सही तरीके से प्रयोग करने का एक जो ट्रेनिंग जैसी समझ लो वो लोगों को दी जा रही है, और जगह जगह इसका जो प्रचार किया जा रहा है, इसका जो किया जा रहा है, तो इससे लोगों के अंदर एक उत्सुकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किसी भी समय हो सकता है, यही वजह है कि तैयारियां पहले से पूरी कर ली जा रही हैं, जिससे समय रहते चुनावों को व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सके। 2022 चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग भी पूरी ताकत के साथ तैयारी में जुट गया है। लोगों को बताया जा रहा है किस तरीके से वोट डाले जाते हैं। ईवीएम में वीवीपैट भी जुड़ा हुआ है, किस तरीके से आप अपना वोट डाल सकते हैं और किस तरीके से इस बात का तत्काल ही पता चल सकता है कि आपने जिस प्रत्याशी को, जिस पार्टी को वोट डाला है, वो वोट उस पार्टी या प्रत्याशी को गया या नहीं। डबल चेक इसे माना जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये वीवीपैट मशीन है और ये ईवीएम मशीन है, इससे सीधे से कनेक्ट है। आप सीधे जहाँ पर बटन दबाएंगे बीप की आवाज़ आएगी और सीधे सिंबल इसके अंदर आपको दिखाई देगा, जिससे आप इस बात का पता कर सकते हैं कि आपका वोट उचित स्थान पर डल गया है। अक्सर लोग चुनाव बाद हल्ला मचाते दिखाई देते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इसको वोट दिया था, दूसरे को चला गया। भ्रम को दूर करने के लिए डबल चेक की व्यवस्था निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। अपने साथी अली दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।